अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, करारी भिंडी। ये बहुत टेस्टी है और बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। हमने 250 ग्राम भिंडी ली हूँ, जो अच्छी तरह धुलकर साफ़ कर ली हूँ। इसका पानी भी सुखा ली हूँ। भिंडी बिल्कुल कौला लें, यानी नर्म लें, बड़ा और कड़क न लें, और इसे बीच से कट कर ली हूँ। इसमें जो मसाले डालने हैं वो देखते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच नमक। अब इन सबको भिंडी में शामिल करें। आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस, 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसे चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है, गीला हो जाएगा ज्यादा। सब मिलाकर हमने 5 चम्मच पानी डाली। भिंडी में पानी नहीं था और कॉर्नफ्लावर के वजह से पानी ज़्यादा लगा है। और हाँ, कॉर्नफ्लावर डालने से भिंडी ज़्यादा करारी यानी कुरकुरी बनती है। अब इसे फ्राई करें। कढ़ाई में तेल डालकर अच्छी तरह गरम करें। अब हमारा तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है। भिंडी लें और एक एक करके तेल में डालते जाएं। एक तरफ का हो जाए तो दूसरी साइड पलटे और अच्छी तरह फ्राई करें। अब यह बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लें। देखिए, हमारी भिंडी बहुत अच्छी फ्राई हुई है। अब वापस इसी तरह एक एक करके डालें। और जब एक साइड का हो जाए तो दूसरी साइड पलटे। देखिए, यह भिंडी बहुत टेस्टी और करारी हुई है। कॉर्नफ्लावर जरूर डालें। कॉर्नफ्लावर की वजह से भिंडी बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।